सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगी होंगे नहीं। माने चूना, वो बोलते हैं सबसे बेहतरीन वातनाशक औषधि है। मेथी का दाना तो है ही, चूना उससे थोड़ा एक डिग्री ऊपर है मेथी दाने से। चूना सबसे अच्छी वातनाशक औषधि है। चूने के बारे में बागवत जी का बहुत बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च है। और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी। माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, चूना खाइए। फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, शरीर में कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम ये एक घटक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विज्ञान के हिसाब से, जो मैं कहना चाहता हूं, भागवत जी ने तो 3500 साल पहले कह दिया, आज का विज्ञान उसको प्रूव कर रहा है, कंफर्म कर रहा है वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको 20ों नहीं 85ों बीमारियां आएंगी। कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो 85ों बीमारियां आएंगी। क्या क्या आ सकता है? हर तरह का दर्द आपको होगा, हर तरह का, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का। हड्डियों की जितनी विकृतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं, रक्त के रोग, खून की बीमारी। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए। जो विज्ञान आज का कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। ये 12-15 साल का रिसर्च है, एक वाक्य में मैंने खत्म कर दिया। कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए, फैट्स आपके शरीर में डिसॉल्व होते रहे और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहे तो कैल्शियम चाहिए। माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए। अब इसके बारे में बागवत जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूफ किया, बागवत जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, दूध, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। फिर आपने खाया संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खट्टे फल, आम वगैरह वगैरह, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है, केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है। तो ऐसे जो फल हैं इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है, जठर अग्नि भी तीव्र रहती है, बाकी सब फंक्शन ठीक है। लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है, माताओं को ये बात विशेष रूप से कह रहा हूं, बहनों को, माताओं को, जैसे ही आपकी 45 की उम्र पूरी होती है और आपका मेंसिस साइकिल बंद होता है, मासिक धर्म आपका बंद होता है, उसी समय आपको कैल्शियम हजम होना कम होना शुरू होता है।
आप कितना भी ये सब चीजें खाएं, केला भी खाएं, ये भी खाएं, लेकिन कैल्शियम उतना पूर्ति नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुआत है। मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है, आप जानते हैं कई हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तब आपको जरूरत पड़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें। इसलिए सब माताएं इस बात को ध्यान दें और इसको गांठ बांध लें कि 45 की उम्र होते ही चूना खाएं, क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा। चूना जरूर खाएं आप सबके लिए, और आपको भी है चूना खाएं, क्योंकि आपकी उम्र भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है जो फलों से और सब्जियों से आ रहा, कुछ अतिरिक्त चाहिए। और चूंकि बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम की उपस्थिति में ही काम आएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विकसित हुई है पान खाने की। ये पान खाने की परंपरा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक। जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा, बहुत समझकर उसने ये शुरू की। और ये अद्भुत है, अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम ये परंपरा है। कहीं भी चले जाओ आप, सिक्किम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, वो भी पान खाते हैं। और आप धुर दक्षिण में आ जाओ तो यहां भी है, उत्तर में चले जाओ, कहीं भी चले तो ये पान खाना भारतीय सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने का ही खाना है, पान जो है चूने का ही खाना है। पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं, क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है। कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं, चूना औषधि के लिए उपयोग करते हैं। ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं,